जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे अपराजिता के बारे में। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी इस खोज में कि कुछ मिले माता अपराजिता के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में। क्योंकि वृक्ष को समझने के लिए वृक्ष के मूल को समझना अति आवश्यक होता है। लोगों ने तंत्र साधनाएं दे रखी हैं माता अपराजिता की, लोगों ने अपराजिता स्तोत्र दिए हुए हैं YouTube पर। निश्चित रूप से ये सारे स्तोत्र, ये सारे मंत्र पुराणों और वेदों से ही लिए गए होंगे, परंतु कहीं पर भी किसी भी जगह अपराजिता माँ के प्राकट्य का या उनके उद्भव का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप पुराणों को भी खंगालेंगे, मैंने माता अपराजिता के उद्गम का पता लगाने के लिए कम से कम आप मानेंगे 12 से 13 तंत्र ग्रंथ, श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण आदि जितने भी देवी माँ से संबंधित ग्रंथ हैं मैंने सब में देखा। लेकिन इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिला कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ, इनका उद्भव कैसे हुआ। तो जैसा कि हमेशा होता आया है, जिन सवालों का जवाब किताबों में नहीं होता, उन सवालों का जवाब उस जगह होता है जहां पर जाने के बाद में सवाल नहीं रहता, यानी कि ध्यान मार्ग। जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे, जब आप अपने दिमाग को उस तरह से लेकर के जाएंगे जहां पर कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, तो वहां पर कोई भी चीज जो है वो असंभव नहीं होती। इस वीडियो में मैं माता अपराजिता के मंत्र का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो मंत्र बहुत गुप्त मंत्र है, बहुत ज्यादा गुप्त मंत्र है। उसकी आज्ञा भी नहीं है उस मंत्र को यहां देने की। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उनके प्राकट्य के बारे में, उनका उद्गम कैसे हुआ, उनका उद्भव कैसे हुआ, वो कैसे प्रकट हुई। हम सभी ये बात जानते हैं कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक राजा थे पहले। जब राजा विश्वामित्र एक दिन शिकार करने गए और शिकार करने के बाद में वो थके हारे जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ बैठे हैं। और ऋषि वशिष्ठ ने जब देखा कि राजा विश्वामित्र पधारे हैं, तो वो उनके सम्मान में खड़े हुए जाकर के उन्होंने उनका आदर सम्मान सत्कार सब किया। उसके बाद में उन्होंने उनसे कहा कि राजन शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, और ऐसे में आपका जंगल को पार करके जाना उचित नहीं रहेगा, आप कृपा करके यहीं विश्राम करिए। तो राजा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरी संपूर्ण सेना है। तो राजा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की जगह ऋषि विश्वामित्र का नाम आ रहा है। तो ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके साथ में केवल आपकी सेना ही है। अगर आपके साथ में संपूर्ण पृथ्वी के व्यक्ति भी होते तो भी परमात्मा की कृपा से मुझ में इतना सामर्थ्य और इतना आशीर्वाद उनका दिया हुआ है कि मैं उन सबका जो है उचित सम्मान सत्कार कर सकूं। तो ऋषि वशिष्ठ के बहुत ज्यादा कहने पर राजा विश्वामित्र ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तो ऋषि वशिष्ठ जो थे वो गए अपनी गाय के पास में। वो गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, वो गाय माता कामधेनु की पुत्री माता नंदिनी थी। माता नंदिनी को उन्हें देवताओं ने सौंपा था कि वो उनके धर्म कर्म में उनकी सहायता करेंगी।
उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हमारे आश्रम में जो है राजा उनकी सेना पधारे हैं, तो आप उनके लिए भोजन वगैरह का जो प्रबंध है वो कर दीजिए। तो माता कामधेनु के समान ही माता नंदिनी भी जो है वो विलक्षण शक्तियों से संपन्न थी। अपने साधक की, अपने स्वामी की इच्छा अनुसार सभी जो उनके लिए संभव था वो कर देती थी। उन्होंने बहुत उच्च कोटि का जो खाद्य पदार्थ है वो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को दिए, जिनसे कि उन्होंने पूरी सेना का सत्कार किया, पूरी सेना को भोजन करवाया। तो जैसा कि हमेशा होता आया है, एक राजा अपने स्वभाव के कारण, एक राजा का स्वभाव होता है कि वो हर मूल्यवान वस्तु पर अपना अधिकार समझता है। उसे लगता है कि मेरी प्रजा के पास में यदि कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसका अधिकारी मैं ही हूँ। यही हुआ था जब राजा, जब ऋषि जमदग्नि के आश्रम में राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन पहुंचा था, और यही हुआ जब राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। बस फर्क इतना था कि कार्तिवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था, उनको मार दिया था उन्होंने कामधेनु के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऋषि वशिष्ठ ने जब राजा को, राजा ने जब बोला उनसे, ऋषि वशिष्ठ से, कि आप मुझे इस गाय को दे दीजिए, इस गाय के ऊपर मेरा अधिकार है, ऐसी धरोहर या ऐसी ऐसा अमूल्य रत्न केवल राजा के पास ही होना चाहिए, तो उन्होंने इस बात से मना किया। उन्होंने बोला कि ये संपत्ति नहीं है, ये कोई संपत्ति नहीं है जिसपे कोई अधिकार कर सके, ये आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद मुझे देवताओं द्वारा दिया गया है, तो जिसपे मेरा अधिकारी नहीं है वो मैं आपको दे कैसे सकता हूँ, जिसपे मेरा ये अधिकार नहीं है उस पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है, ये बोलकर के उन्होंने राजा को मना कर दिया। उसके बाद राजा विश्वामित्र ने जबरदस्ती माता नंदिनी को लेकर के जाने की कोशिश करी। यहाँ पे मैं वही उसी फर्क की बात कर रहा था कि यहाँ पर एक जो फर्क था वो ये है कि कार्तिवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था, परंतु यहाँ पर राजा विश्वामित्र जो थे वो ऋषि वशिष्ठ का वध नहीं किया उन्होंने, अपितु वो नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ में, माता नंदिनी को लेकर के अपने राजमहल की तरफ जाने लगे। तो माता नंदिनी ने विश्वामित्र जी से पूछा, सॉरी ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि माता मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो बोले कि फिर मुझे अपनी अपनी रक्षा स्वयं करने की आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है माता, जो आपको उचित लगे आप करिए। उसके बाद में माता नंदिनी के शरीर के एक एक रोए से, जो उनके रोम रोम से, एक एक रोम से सहस्त्र सैनिक, सशस्त्र सैनिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने राजा विश्वामित्र की पूरी सेना को मार करके वहां से भगा दिया। और माता नंदिनी जो थी वो वापस ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंच गई। जब राजा विश्वामित्र ने ये देख लिया कि भाई साहब इनसे, सेना से और शस्त्रों से, अस्त्रों से लड़ना संभव नहीं है, तो उन्होंने ये बात जानने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी शक्ति है इनके पास में कि मेरे जैसा बलवान राजा भी इनका सामना नहीं कर पाया। तो उनको पता चला कि इनके पास तपस्या की शक्ति है। ठीक है, तो राजा विश्वामित्र ने यह निर्णय लिया कि वो तपस्या करेंगे। तपस्या करने के बाद, तपस्या करते समय वो सबसे पहले उन्होंने महादेव की तपस्या आरंभ की, और उनका लक्ष्य ये था कि उनको ब्रह्म ऋषि बनना था। उनको ये बात सभी जानते हैं, ये बात मैं जो ये कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कथा पुराणों में वर्णित है, ये कथा आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। यहाँ तक की कथा जो है ये पुराणों में आपको मिल जाएगी जानने को। तो उन्होंने महादेव की तपस्या करी। महादेव की तपस्या करने के बाद में जब महादेव प्रकट हुए तो महादेव ने उन्हें अस्त्र विद्या प्रदान की, महादेव ने उन्हें धनुर्विद्या प्रदान की, और उसके बाद में वो उन अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के राजा ऋषि वशिष्ठ के पास में पहुंच गए। उन्होंने जब उन पर प्रहार करना शुरू किया तो ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ का जो दंड था, जो ब्रह्म दंड वो रखते हैं अपने साथ में, कोई भी आप देखेंगे कि कोई भी ऋषि मुनि जो होते हैं वो एक कमंडल दंड अपने साथ में रखते हैं, तो ऋषि वशिष्ठ का जो ब्रह्म दंड था उनके ब्रह्म दंड से टकरा करके वो सारे अस्त्र जो थे वो निष्फल हो गए। उन अस्त्रों में रुद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, शैलास्त्र,
विश्वास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, इस तरीके के अस्त्र थे। अब सोचिए कि एक ऋषि के ब्रह्मदंड के आगे इतने महान अस्त्र जो थे वो निष्फल हुए। वो क्यों निष्फल हुए? वो इसलिए निष्फल हुए क्योंकि कोई भी दिव्य अस्त्र या कोई भी दिव्य शक्ति जो है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति का अहित नहीं करती जिसका कोई दोष ना हो, जिसका कोई पाप ना हो। ठीक है, तो उनसे युद्ध करते करते ऋषि विश्वामित्र जो थे, जो राजा विश्वामित्र जो थे, वो थकने लग गए। इन द सेंस कि वो अब थे, कितने भी राजा थे तो भाई साहब हर मनुष्य की एक सीमा होती है, शरीर की एक सीमा होती है। तो उन्होंने जब वो थकने लगे, थकते थकते एक समय ऐसा आया कि वो गिर गए वहाँ पर। जब वो गिर गए, ऋषि वशिष्ठ जो थे वो, उन्होंने उन पर कोई प्रहार नहीं किया, ना पहले किया था ना बाद में किया, लेकिन उनको एक ऐसी शक्ति का उनको एक ऐसी शक्ति की जरूरत महसूस हुई जो शक्ति उन्हें प्रदान करे सामर्थ्य ऋषि वशिष्ठ से युद्ध करने का, निरंतर युद्ध करने का। और यहाँ से शुरू होती है अपराजिता के प्राकट्य की कथा, जो आपको ना किसी पुराण में मिलेगी, ना किसी वेद में मिलेगी, ना किसी ग्रंथ में मिलेगी, क्योंकि कुछ कथाओं का, कुछ विद्याओं का, जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ कथाओं का, कुछ विद्याओं का लोप कर दिया जाता है, उन विद्याओं को लुप्त कर दिया जाता है, ताकि वो विद्या या वो कथा आम जन तक सरलता से ना पहुंचे। पहुंचेगी, लेकिन उस कथा तक पहुंचने के लिए या उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग की उन क्षमताओं को पार करना पड़ेगा, जो एक सामान्य मनुष्य के वक्त की बात नहीं है। यहाँ पर मेरे ये बात कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई बहुत पहुँचा हुआ सिद्ध तांत्रिक या सिद्ध कोई बाबा हूँ। ये बाबा कपाल भैरव की कृपा है कि उनकी कृपा से जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ उसका जवाब मेरे को मिल जाता है। तो जब विश्वामित्र को ये आभास हुआ कि मेरा शरीर अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो इन दिव्यास्त्रों के वेग को सह सके, युद्ध के वेग को सह सके, वो निरंतर युद्ध कर सके, तब उनको एक ऐसी शक्ति की जरूरत लगी जो उनके इस कार्य में उनकी सहायता कर सके। उन्होंने वो सारे अस्त्र शस्त्र जो थे भगवान महादेव को वापस कर दिए, और भगवान महादेव से उन्होंने वो रास्ता पूछा जिससे कि वो निरंतर युद्ध कर सके। उन्होंने कहा कि अगर मैं युद्ध ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास में अस्त्र शस्त्रों के होने का फायदा क्या है। तो महादेव से जब उन्होंने ये बात बोली कि मुझे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिस शक्ति के बल पर मैं निरंतर युद्ध कर सकूं, मैं थकूं ना, मैं क्लांत ना हो सकूं, तो भगवान शिव का जो उत्तर था वो ये था कि शक्ति की उपासना करने के लिए आपको माता पार्वती की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि शक्ति का जो दायित्व है, अगर शिव को भी शक्ति प्रदान करनी है या शिव भी शक्तिमान है तो वो माता शक्ति के कारण है। बिना शक्ति के शिव भी शव समान है। तो उनकी बात मान करके, भगवान शिव की बात मान करके, उन्होंने माता पार्वती के चामुंडा स्वरूप की आराधना शुरू की एक गुप्त मंत्र के साथ। यहाँ पर वो मंत्र भी मैं नहीं बताऊंगा। माता चामुंडा के गुप्त मंत्र के साथ में उन्होंने माता चामुंडा की आराधना शुरू की। वो मंत्र उनको भगवान शिव द्वारा दिया गया था। अगर कभी मेरे को आज्ञा मिली तो मैं बताऊंगा आप लोगों को मंत्र भी, परंतु अभी उसकी आज्ञा नहीं है। तो उनकी आराधना करीब करीब 3000 वर्षों तक चली। 3000 वर्षों की तपस्या के बाद में जब माता चंडिका प्रसन्न हुई और माता चंडिका उनके सामने प्रकट हुई, तो माता ने उनसे पूछा कि आपने किस उद्देश्य के साथ में इतनी भीषण तपस्या की है। तो राजा विश्वामित्र ने उनसे कहा कि माता, मैं ऋषि वशिष्ठ को पराजित करना चाहता हूं जो कि मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं, तो आप मुझे वो शक्ति प्रदान करें, आप मुझे वो विद्या प्रदान करें, आप मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करें कि जिससे कि मैं निरंतर उनसे युद्ध कर सकूं। तो माता चंडिका ने उनसे ये कहा कि ऐसी कोई शक्ति अभी अस्तित्व में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो एक ऋषि है जिसने कभी भी किसी का अहित नहीं किया है, तुम्हारा भी कोई अहित उन्होंने नहीं किया है, तो मैं तुम्हें ऐसी कोई विद्या प्रदान नहीं कर सकती जिससे कि तुम उनका अनिष्ट कर सको। यदि उन्होंने तुम्हारा अपमान किया होता, यदि उन्होंने तुम्हारा
तिरस्कार किया होता, यदि उन्होंने तुम्हारे प्रति कोई पाप किया होता तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से वो विधि बताती या वो उपाय बताती जिससे कि तुम ये कर सको। वो एक ऋषि है, एक ब्राह्मण है, और उनका वध करना कहीं से भी संभव नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। दूसरा, एक राजा को ब्राह्मण का वध कभी भी शोभा नहीं देता। माता ने उनको ये बात समझाई, उन्होंने उनको कोई सिद्धि प्रदान नहीं की, उन्होंने कोई शक्ति प्रदान नहीं की, उन्होंने केवल उनको समझाया। तो ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र जो थे, राजा विश्वामित्र जो थे, वो निराश होकर के उन्होंने बोला कि ठीक है, जब नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं आप, कोई उनको विवश थोड़ी ना कर सकता है। तो माता ने उनको बोला कि यदि तुम उनको पराजित करना चाहते हो तो तुम्हें ऋषि पद प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ जो है वो ब्रह्म ऋषि हैं, और समानता के अधिकार से केवल एक ब्रह्म ऋषि ही एक ब्रह्म ऋषि को चुनौती दे सकता है, या फिर उनसे युद्ध कर सकता है, या फिर उनसे कोई भी शास्त्रार्थ वगैरह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जिस दिन, तो उन्होंने माता से पूछा कि मेरी तपस्या व्यर्थ हुई क्या, मैंने जो तपस्या की वो व्यर्थ हुई। उन्होंने बोला कि नहीं, व्यर्थ नहीं हुई है, जिस दिन तुम ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त कर लोगे उस दिन मैं तुम्हें वो विद्या प्रदान करूंगी या वो शक्ति प्रदान करूंगी जिससे कि तुम उनका सामना कर सकते हो। तो उसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ की। ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ किए हुए उन्हें 75,000 साल बीत चुके थे, जिसमें कि 15,000 वर्ष के अंतराल पर वो एक ऋषि, 25,000 वर्ष के उपरांत वो एक महाऋषि, 45,000 वर्ष के उपरांत वो एक राजऋषि, और 75,000 वर्षों के उपरांत उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद जो है वो मिला। जब ब्रह्मदेव ने स्वयं प्रकट होकर के ऋषि विश्वामित्र से कहा कि अब आप ब्रह्म ऋषि हैं, तो उनके इस कथन के पूर्ण होते ही वहां पर माता चंडिका प्रकट हुई। माता चंडिका ने उनको याद दिलाया कि तुमने एक समय मेरी आराधना की थी, जिसमें कि तुमने मुझसे एक ऐसी शक्ति का वरदान मांगा था जो कि तुम्हें निरंतर युद्ध करने में सहायता करे, तो आज मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करती हूँ। माता चंडिका ने अपने बाएं कंधे से, अपने बाएं कंधे की ऊर्जा से एक शक्ति का निर्माण किया। वो शक्ति जो लाल वर्ण में है, नीले कमल के आसन पर विराजमान थी, 12 भुजाधारी, 6 मस्तकधारी, 6 मतलब उनके 6 मुख थे, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वो देवी थी। जब ऋषि विश्वामित्र ने उनसे पूछा कि माता इनका नाम क्या है, ये कौन सी देवी है, तो उन्होंने उनसे बोला कि इस देवी का कोई नाम नहीं है, इनका प्राकट्य जो है वो अभी इसी समय तुम्हारे आवाहन से हुआ है, तुम्हारे कारण हुआ है। तो बोले कि तुम ही इन्हें कोई नाम दो। तो ऋषि विश्वामित्र ने ये बात कही कि जिन देवी के कारण मेरी पराजय टलेगी, जिनके कारण मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा, आज से वो देवी जो है अपराजिता के नाम से जानी जाएगी, विद्याओं की विद्या, महाविद्या, माता अपराजिता। माता अपराजिता के आशीर्वाद से या माता अपराजिता के उनके साथ रहने से वो ना केवल ऋषि विश्वामित्र से, ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रार्थ करे, युद्ध करे, उन्होंने सब कुछ किया, अंत में उन्होंने उनको पराजित भी किया, जिसके बाद उन दोनों की मित्रता हो गई थी। तो ऋषि वशिष्ठ ने उनसे ये बात कही थी कि एक समय पर मेरे द्वारा सिखाए हुए बालक जो है वो आपसे ही अस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो महादेव ने जिन अस्त्रों का ज्ञान आपको दिया था उन अस्त्रों का ज्ञान आपसे मेरे शिष्य प्राप्त करेंगे। आप सोच सकते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के वो शिष्य कौन थे? वो शिष्य थे भगवान राम और लक्ष्मण, जिनको विश्वामित्र जो थे, राजा महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, राजा दशरथ से मांग करके उनको ले गए थे। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें ना केवल इन विद्याओं का ज्ञान दिया, अपितु इसके साथ साथ उन्होंने उन्हें अपराजिता विद्या का भी ज्ञान दिया था। अपराजिता विद्या का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है
कि यदि कोई व्यक्ति अपराजिता मंत्र का जाप करता है या फिर अपराजिता महाविद्या के मंत्र का अनुष्ठान करता है या उसके ऊपर अपराजिता महाविद्या की कृपा होती है, वो व्यक्ति सारी की सारी भौतिक समस्याओं से मुक्त हो जाता है। भूख, प्यास, थकान, ये जो चीजें हैं इनका नाश हो जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण के अलावा अपराजिता का जो ज्ञान है माता पार्वती ने हनुमान जी को दिया था और भगवान राम ने महाविद्या अपराजिता का जो ज्ञान था वो अपने पुत्रों को दिया था, जिसके बाद की भगवान राम के बाद उनके वंश में ये अपराजिता विद्या का जो ज्ञान था वो चलता था। ये अपराजिता विद्या भगवान शिव की शक्ति है। एक राक्षस था जिसने भगवान शिव के एक अस्त्र का हरण किया था, उस हरण किए हुए अस्त्र को वापस ले करके सृष्टि की रक्षा करने वाली देवी माता अपराजिता थी। ये कोई ऐसी महाविद्या या फिर ये कोई ऐसी विद्या नहीं है कि जिनको आप बहुत आराम से सिद्ध कर लोगे, शावर मंत्रों से सिद्ध कर लोगे। अपराजिता महाविद्या जो है कभी भी सिद्ध नहीं की जा सकती, ये अपराजिता का रहस्य है। अपराजिता महाविद्या कभी भी सिद्ध नहीं की जा सकती। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंत्रों की सिद्धि असंभव है, मंत्रों की सिद्धि असंभव है, मैं चलो ठीक है हम दूसरे मंत्रों की बात ले लेते हैं कि एक बार को समय आने पर वो सिद्ध हो जाएंगे, परंतु अपराजिता एक ऐसी विद्या है, अपराजिता एक ऐसी साधना है जो सिद्ध नहीं की जा सकती। आप लाखों करोड़ों वर्षों तक भी तपस्या करते रहोगे तब जा करके भी आप अपराजिता को सिद्ध नहीं कर पाओगे। अपराजिता का ज्ञान केवल और केवल गुरु ही अपने शिष्य को दे सकता है। ये कीलन है उस मंत्र का, ये कीलन है उस विद्या का जो महर्षि विश्वामित्र द्वारा उस विद्या के ऊपर लगाया गया था कि अपराजिता महाविद्या का जो दान है वो केवल एक गुरु ही अपने शिष्य को दे सकता है और अन्यथा कोई नहीं। तो ये थी माता अपराजिता के प्राकट्य की कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी मुझे बताइएगा, और इससे संबंधित यदि और कोई प्रश्न आपके मन में है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।